कौन डायरेक्ट करने वाला है एमसीयू के नए स्पाइडरमैन 4 मूवी को? क्या फाइनली चैनिंग टेटम गैम्बिट के रोल में हमें देखने को मिलने वाले हैं? क्या पीकी ब्लाइंडर्स की अपनी मूवी के अंदर हमें किलियन मर्फी एज थॉमस शेल्बी देखने को मिलेंगे? और क्यों किया जा रहा है पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन की पूरी फ्रेंचाइजी को रिबूट? इस हफ्ते कुछ ज्यादा खास बड़ी न्यूज़ तो नहीं, बट हाँ कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट जरूर आए हैं। और इन सारे अपडेट से अपडेटेड होने के लिए हेडफोन लगा लीजिए और आराम से बैठ जाइए। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमों को हिंदी के एक और फ्रेश वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं मार्वल की खबरों से, जहां पर सबसे पहले रिपोर्ट यही आ रही है कि हो सकता है मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर स्पाइडरमैन 4 को जस्टिन लिन डायरेक्ट करें। वही जस्टिन लिन जिन्होंने फास्ट एंड फ्यूरियस टोक्यो ड्रिफ्ट से लेकर फास्ट एंड फ्यूरियस 6 तक, फिर उसके बाद F9 और फास्ट X को भी डायरेक्ट किया है। वैसे पिछले तीनों मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के स्पाइडरमैन मूवीज के डायरेक्टर जॉन वॉट्स ने पिछली मूवी की रिलीज के साथ ही इस बात को कंफर्म किया था कि वो बेसिकली मूवी मेकिंग से ब्रेक ले रहे हैं और वो पॉसिबली स्पाइडरमैन 4 को डायरेक्ट नहीं करेंगे। खैर कमेंट्स में मेंशन करना मत भूलिएगा कि इस पर आपका क्या ओपिनियन है। इसके अलावा स्पाइडरमैन 4 से ही ये खबर आ रही है, हमें ज़ेंडाया की MG शायद फिर से देखने को मिल जाए। और रूमर्स ऐसे भी हैं कि ज़ेंडाया ने इस मूवी के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर लिया है, और डेफिनेटली अगर ज़ेंडाया का स्पाइडरमैन 4 के अंदर इंक्लूजन होगा तो चीजें एक बार फिर से पीटर के लिए रीसेट हो जाएंगी, जहां पर पीटर को एक बार फिर से ज़ेंडाया का प्यार और भरोसा जीतना होगा, जो बिल्कुल कॉमिक बुक्स की तरह ही होगा। इसके अलावा वेडनेसडे को स्पाइडर वर्स की एक शॉर्ट फिल्म रिलीज हुई है, द स्पाइडर विद इन अ स्पाइडर वर्स स्टोरी नाम की। इस शॉर्ट फिल्म को अगर आपने अब तक नहीं देखा तो मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। इसके अलावा अगर मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की आगे और बात करें तो हो सकता है कि हमें आने वाले फ्यूचर में सेलेस्टियस का रिटर्न एक बार फिर से देखने को मिल जाए, जो हमें पहली बार मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की इटर्नल्स मूवी के अंदर देखने को मिले थे। अब अभी फिलहाल तो इस बात की कंफर्मेशन नहीं है कि सेलेस्टियस हमें कहां देखने को मिल सकते हैं, लेकिन इटर्नल्स 2 फिलहाल तो कैंसिल ही नजर आ रही है। अब कमेंट्स में आप बताइए कि आपको क्या लगता है कि हमें सेलेस्टियल्स कहां देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा छोटी सी काइंड ऑफ कंफर्मेशन ये भी आई है कि कैप्टन अमेरिका 4 के अंदर हमें हैमलेट ज़ीमो और विंटर सोल्जर का कैमियो नहीं देखने को मिलेगा, जिसमें इस बात को खुद कैप्टन अमेरिका 4 के अंदर सैम विल्सन / कैप्टन अमेरिका का रोल प्ले करने वाले एंथनी मैकी ने कंफर्म किया है। हो सकता है कि ये कैरेक्टर्स आने वाली थंडरबोल्ट मूवी के इवेंट्स में बिजी होंगे। वहीं पर चैनिंग टेटम, जो बहुत ही लंबे समय से अपने ड्रीम कैरेक्टर गैम्बिट को प्ले करना चाहते थे, अब लगता है कि हमें इस रोल के अंदर वो देखने को मिल सकते हैं। जहां पर रिसेंटली ह्यू जैकमैन ने अपनी एक ट्रेनिंग की फुटेज सोशल मीडियाज पर डाली, जिसके नीचे चैनिंग टेटम ने लेट्स गो कमेंट किया। अब इसी बात से बहुत सारे लोग इस बात का अंदाजा लगा रहे हैं कि हो सकता है कि हमें यहां पर चैनिंग टेटम इस मूवी के अंदर देखने को एज गैम्बिट मिल सकते हैं, जिसकी पॉसिबिलिटी मुझे भी लगती है, लेकिन देखते हैं आगे क्या होता है। वहीं पर अब बात करें डीसी के कुछ अपडेट्स के बारे में, तो फाइनली इस बात को कंफर्म कर दिया गया है कि सुसाइड स्क्वाड का एनिमे, जिसका ट्रेलर हमें पिछले साल देखने को मिला था, वो सीरीज बेसिकली इस साल रिलीज की जा सकती है। और साथ ही साथ डीसी इस बात को क्लेम कर रहा है कि वो हर साल एक नए एनिमल पर फोकस करने की कोशिश कर सकता है। अब इसमें कितनी पॉसिबिलिटी है ये तो वक्त ही बताएगा। साथ ही साथ जोकर 2 से इस बात की खबर आ रही है कि इस मूवी के अंदर एक्चुअली 15 गाने होने वाले हैं, जो बेसिकली अपने ओरिजिनल सॉन्ग्स के काइंड ऑफ कवर होंगे, और ये बेसिकली हमें मूवी के अलग अलग पॉइंट ऑफ टाइम में देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा डीसी की ही ब्लैक लेबल पब्लिश्ड द डेड बॉय डिटेक्टिव्स की ऑफिशियल नेटफ्लिक्स अडॉप्टेशन को एक्चुअली अनाउंस कर दिया गया है, और उसका टीजर भी रिलीज हो गया है, जहां पर इन कैरेक्टर्स को 1991 में नील गायमन और मैट वैगनर ने क्रिएट किया था, और ये पहली बार हमें सैंडमैन के इश्यू नंबर 25 में देखने को मिले थे, जो अप्रैल 1991 में रिलीज हुई थी। आगे HBO मैक्स पर रिलीज होने वाली मैट रिव्स के बैटमैन यूनिवर्स से पेंगुइन का भी टीजर रिलीज हो चुका है, जो इस साल की फॉल में हमें देखने को मिलेगी। एंड डेफिनेटली ये बैटमैन यूनिवर्स के अंदर इस कैरेक्टर को बहुत ही अच्छे से सेटअप करती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा अगर हॉलीवुड और बॉलीवुड के कुछ और खबरों की बात की जाए, तो बॉलीवुड से सबसे पहले रिपोर्ट निकल कर आ रही है, जहां पर इस बात की काइंड ऑफ कंफर्मेशन हो रही है कि शायद रणवीर सिंह हमें शक्तिमान का रोल प्ले न करते हुए नजर आए। इसे लोग काफी टाइम से स्पेकुलेट कर रहे थे, फिर भी कौन इस कैरेक्टर को प्ले करेगा अब तक इस बात की कंफर्मेशन नहीं आई है। इसके अलावा पीकी ब्लाइंड ऑफ फैंस के लिए बहुत ज्यादा अच्छी खबर है, क्योंकि इसकी एक अपनी खुद की मूवी रिलीज होने वाली है, जहां पर एक्चुअली लास्ट ईयर इसका फाइनल सीजन रिलीज किया गया था, और इसमें किलियन मर्फी एज थॉमस शेल्बी रिटर्न करेंगे। अब ये मूवी एक प्रीक्वल होगी या सीक्वल, इस बात की कंफर्मेशन फिलहाल नहीं है। अब इसके साथ साथ पिछले साल रिलीज हुई विनी द पू ब्लड एंड हनी का एक पूरा सिनेमैटिक यूनिवर्स बन सकता है, क्योंकि अब ये कैरेक्टर पब्लिक डोमेन में आ चुके हैं। वैसे पिछले साल रिलीज हुई मूवी ने कोई अच्छा क्रिटिकल परफॉर्मेंस तो नहीं दिखाया था, लेकिन $1,00,000 बजट पर इसने $5.2 मिलियन यानी $52,00,000
वर्ल्ड वाइड कमाए थे, जिसके कारण इसके सीक्वल को हरी झंडी मिल गई है और वो इस साल रिलीज होने वाली है। इसके अलावा रिपोर्ट्स इस बात की भी निकल कर आ रही हैं कि शायद अब पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन का अब एक फुल ऑन रिबूट देखने को मिलेगा, और प्रोड्यूसर जेरी ब्रुकहाइमर ने इस बात को कंफर्म किया है कि वो कुछ एक्टर्स के चलते इस पूरी फ्रेंचाइजी को आगे तक डिले नहीं करना चाहते। ऑफ कोर्स उनका यहाँ पर हिंट जॉनी डेप की तरफ ही था, बट क्या बिना जॉनी डेप के इस फ्रेंचाइजी को वो मोमेंटम मिल पाएगा जो इससे पहली फ्रेंचाइजी को मिला था, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इसके अलावा द बॉयज की स्पिन ऑफ जेनवी का सीजन 2 की शूटिंग स्टार्ट हो चुकी है, तो प्रोबेबली ये हमें नेक्स्ट ईयर तक भी देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ एक और खबर निकल कर आ रही है जुरासिक पार्क के अंदर स्कारलेट जोहानसन की, जहां पर अपेरेंटली गैरेथ एडवर्ड्स एक नई जुरासिक वर्ल्ड मूवी पर काम कर रहे हैं, और रूमर्स के अकॉर्डिंग यहां पर स्कारलेट जोहानसन को किसी अननोन रोल के लिए कास्ट किया जा सकता है। एंड ऑफ कोर्स ब्लैक विडो को एक बार फिर से एक्शन में देखना कौन नहीं चाहेगा। सो गाइज, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद जरूर आई होगी, और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपको इस हफ्ते के और कौन कौन से अपडेट्स के बारे में मालूम है। मैं जल्दी ही आपको एक नई वीडियो में देखने को मिलूंगा, तब तक आप हमारी इन वीडियोज को एंजॉय कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।